ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप के रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। समझ रहे हो? समझ रहा? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। अच्छा, पैसे की कोई कमी नहीं है? यहाँ पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना? नहीं। जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना? अरे कहना क्या चाहते हो? वैसा ही पंप लगा रखा है। हसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, बंबई में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। पागल हो गया। मैं सोच रहा था, और जैसे मैं सोच रहा था, सुन रहा था उनकी बात, मुझे एक बात और याद आई। यही सवाल मैंने दादी से पूछा था जब मैं छोटा था। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, मरने के बाद आपको कैसे याद, लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए। दादी का जवाब पता है क्या था? नहीं। मैंने कहा आप क्या चाहती हैं कि लोग आपको कैसे याद करें? हाँ, नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूँ कि याद ही ना करें। उनका जवाब था मैं चाहती हूँ कि याद ही ना करें। मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। आपने कुछ कहा? आग लगने जा रही है, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? आपकी भागीदारी 8%। अच्छा, पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में? पिछड़े लोग कितने हैं? ओह नो, 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। यही नहीं, अभी और सुनिए, सब जोड़ो तो 90% हो जाता है। कितने हुए बताओ? 50, 15, कितना हुआ? 73। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चोट लगती है डॉक्टर के पास जाते हो, पहले कहते हो भैया चोट लगी, डॉक्टर कहते हैं एक्सरे कराओ, कहता नहीं कहता है? नहीं। हम हिंदुस्तान का एक्सरे कराना चाह रहे हैं। मस्त जोक मारा। हमें मालूम है क्या? सबको मालूम है। अब पता लगाना है कितनी चोट लगी है और किसको लगी है। एक्सरे कराना है, एमआरआई कराना है। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के लोग कितने? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने? 5। माइनॉरिटी कितने? 15। टोटल कितने हुए? 90%। अबे तेरा दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या? सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। दो तरह का कीड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। साढ़े 7 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहाँ पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं, 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब। I don't believe this, असंभव। आप टीवी ऑन करो, टीवी ऑन करते हो अदानी जी के यहाँ बिजली का पैसा जाता है सीधा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, जैसे ही ऑन किया, जैसे आपने टीवी ऑन किया, खट उनका मीटर वहाँ चालू हो जाता है। तू पागल है क्या? पंखा चलाते हो
गरीब लोग पंखा चलाते हैं। ठीक है समरिया, डोंट डिस्टर्ब ब्रदर, ब्रदर डोंट डिस्टर्ब। तेरी कितनी बच्चे जैसी आते हैं यार, तो प्यारे। ट्यूबलाइट चलाते हैं तो याद रखिए, जब आप बटन दबा रहे हो, अच्छा जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। मतलब लॉजिक की मच। जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है। ओ हो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, फिर क्या हुआ, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। सर हम मजाक कर रहे हैं। जब आप सेल्फी लेते हैं, नो 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 नो, जब आप वो बटन दबाते हैं, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जैसे आपने वो बटन दबाया, अब हम क्या करें, चीन के एक युवा को आपने रोजगार दिया। मैं नहीं मानता, आई एम जोकिंग। टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं भैया, ये अच्छी लग रही है आज, चलो इसको ले लेते हैं। खटाखट 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 चलाते, पानी नहीं निकलता उसमें से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये पैसा देने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता है, ले मजे करो। अश्लील है ये लोंडा। एक को नहीं छोड़े, ये बता रहा हूँ, पकड़ पकड़ के फैक्ट्रियों में जाके, कस्बों में जाके, इधर आओ, मदद करनी है तुम्हारी, खड़े हो जाओ। कौन कम बक बर्दाश्त करने को पीता है। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मैं आपसे अब एक मजेदार बात बोलना चाहता हूँ। क्या ये कोई बोल सकता है क्या? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। भाई मेरी फटी सिल जाएगी ना इस धागे से। मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। भगवान से नहीं डरता ये आदमी, शिव जी से चोरी की जाती है। डरता ये पागल हो गया। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया। बात तो सही है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आज मैं अपना भाषण दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। क्या बोला तूने? दिल से आते हैं वो शब्द, दिल में जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। हाय हाय, इतना सुकून। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? पता नहीं, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। एक आम समस्या है, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। क्या बोला? मैं मरने को तैयार हूँ। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया, हर कदम में दर्द। भेड़िया जो निकला था वो चीटी बन गया। मिरेकल। मैं डर डर के चलूं, ये मेरे दिल में डर था। जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती। मैंने इन्हें कहीं देखा है। किसी पागलखाने में देखा होगा। सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक। सच बोलो वरना मैं हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, फिर सारी खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा। बोलो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। चल बाहर निकल, हरामखोर। आ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ये देश है सच्चे, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है, कि ये देश एक आवाज है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मणिपुर में मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया। चल झूठा। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। चुप। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, राम ने रावण को नहीं मारा था। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ये लीजिए रूल की कॉपी। क्या बोला तूने? ये लीजिए रूल की कॉपी।
ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है, मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपके लिए नहीं, अपने लिए। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। देश अदानी है और अदानी देश है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। बाजी बदल लिया साला। शांत हो जाइए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लुक देयर। निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। पेट भरे लोग आंतू बांतू बातें कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए मैडम। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। पहला आपका अटेम्प्ट वहाँ से आया, हवा निकल गई। क्या बोला? हवा निकल गई। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ दिस कंट्री दैट इज अंडर ब्रूटली अश्लील है ये लोंडा। लेट मी फिनिश राजदीप, अनलेस यू वांट टू आंसर इट फॉर मी। यू डू दैट ऑल्सो समटाइम्स। आगे स्वाद। कमलनाथ जी आपकी एज क्या है? पता नहीं। आयु क्या है आपकी? पता नहीं। 72 72 साल की एज है। आप देखिए कांग्रेस के नेता है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कभी जीप पे चढ़ जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले भीड़ के बीच में घुस गए, थोड़ी सी चोट लग गई। कोई तरीका है भीख मांगने का? मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, कमलनाथ जी आपने एक्सरे करवाया? मैं क्या बताऊं? MRI आपने करवाया? मैं क्या बताऊं? कहते हाँ मैंने करवाया। क्या हुआ? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी, लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी। इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। चल झूठा, मुझे बुलाइए मैं हाजिर हो जाऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसे ही आपने अपने स्कूटर में मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना? फिर क्या हुआ? अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। तो रुको जरा, सबर करो। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च किए जाते हैं, 100 में से 5 रुपये का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। देखो मुझे नहीं पता। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो उसमें से आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ना हिंदुस्तान की सरकार ने किया, ना छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। आपके चीफ मिनिस्टर TS सिंह जो हम सब खड़े हैं। अरे हम लोग यहाँ झक मारने आए, घूमने आए यहाँ पर। अच्छा बात नहीं है। किसानों के जेब में से पैसा छीनने के लिए कानून लाए थे आप, अदानी जी को पैसा देने के लिए कानून लाए थे। और आप 24 घंटा अदानी जी की मदद करते रहते हो, और यहाँ पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अदानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। ये मेरी गारंटी है। और सुन लीजिए, जीन्स बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। ओ गॉड, एक बार दिला दे। जीन्स बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं। थैंक्स, लव यू। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। ए, चल निकल यहाँ से, निकल। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। क्यों? कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए यहाँ पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। तो उससे मेरा क्या फायदा? अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि भैया अब ना हम BJP को यहाँ से उखाड़ के उड़ा के आउट कर देंगे, 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए। टेंशन नहीं लेने का, अपू ने ना। और उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूँ, मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए।
पांच लोग मुझे मिल जाएं और उन पांच लोगों को पांच लोग मिल जाएं, काम हो जाए। ये सब क्या हो रहा है? मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। बस हवा निकल गई। मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? प्लीज, ये अच्छा, देश का एक्सरे है कासत, उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उससे पता लगेगा किसके पास हिंदुस्तान का धन है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब आप सेल्फी लेते हैं नो 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 नो, जब आप वो बटन दबाते हैं, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जैसे आपने वो बटन दबाया तो उससे मेरा क्या फायदा? चीन के एक युवा को आपने रोजगार दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये राजनीति में नहीं चलते हैं। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है, मतलब लॉजिक की मच। कोरोना आक्रमण कैसे करता है? देखो मुझे नहीं पता। सबसे पहले जिन लोगों के पास भोजन नहीं है, जो कमजोर हैं, उन पर ही आक्रमण करता है। That's a very good one. ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? मुझे नहीं पता करना। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। क्या बोला तूने? सॉरी, उल्टा बोल दिया। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। गजनी की औलाद। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो भैया। उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहता हूँ शायद इसमें मेरी भी गलती है। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इस कमरे में दलित कितने हैं? पता नहीं। देखिए ये मजा, देखिए इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरा मैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं यार तू? इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? सब लोग इधर उधर देख रहे थे। अब ये कौन है बे? एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। नहीं, सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक है, हाँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है भैया। मेन ये है, ये मेन है यहाँ पे। यहाँ पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। बस हवा निकल गई। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। क्या बोला, क्या बोला? नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। क्या बोला तूने? नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? Somewhere that Guru Nanak ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. Gone to Thailand. He had gone to Thailand. मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहा है तू? Unfortunately, I'm a member of Parliament. Unfortunately, I'm a member of Parliament. Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you. Unfortunately. I'm a member of parliament. अरे बस कर, रुलाएगा क्या? See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament. देखा आपने लापरवाही का नतीजा? सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। क्या बोला तूने? सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। अच्छा बात नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं आप? बीजेपी में है ना? पता नहीं। ठीक है, गजब बेइज्जती है। इंटरेस्टिंग बात यह है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 400 किलोमीटर चला जाता है तो शरीर पे दबाव पड़ता है, दर्द होता है,
मुश्किल आती है। हे पुष्पा, मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, कमजोरी व चिड़चिड़ापन दूर करे। यार इसका तो बलात्कार हो गई। आस्ते 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 जब हम चले, यात्रा हमसे बोलने लगी। क्या बोला तूने? यात्रा हमसे बोलने लगी। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? अग्निवीर योजना है ये, आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। अच्छा, अग्निवीर 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 बोल रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? अदानी 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 अदानी। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं, यात्रा में कुत्ते भी आए, यात्रा में भैंस भी आए, यात्रा में सुअर भी आए। आई डोंट बिलीव दिस, असंभव। ये जो है ना, ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। अच्छा, ये आप सबके लिए टेलीफोन है। A few moments later. ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। ओ भाई, ये क्या है? यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे CRPF के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप आज यहाँ बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। अब तो सच बोल दे। मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए। कोई तरीका? सॉरी, ऊपर से नीचे आए। क्या बात है सर? सोच वही है, इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। घर मेरे लिए एक सोच है। जहां सोच वहां शौचालय। मैंने देखा कि वो 26 जनवरी को पैदा हुए थे, और वही दिन है जब हमारा देश पैदा हुआ। जब हमारा देश पैदा हुआ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। आप मुझे दो, ये आपका गुस्सा है, ये मुझे दो। आप दो। लीजिए, आप नहीं लेंगे? अच्छा, मैं प्यार दे रही हूं। तो फिर ले लूंगा। बात कर, मेरे को जानता नहीं है। जो काले किसान के खिलाफ कानून आए थे। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। मेरे तो एल लग गए। ओ भाई, ये क्या है? भीख मांगना एक आर्ट है, हुनर है, कला है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। मैं कब हो गया ये? वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। I don't believe this! जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। अच्छा, इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो। अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे अपना काम करना है। करो ना भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले। हम करें तो करें क्या? सुनो, अबे जल्दी बोल। हिंदुस्तान के दो तीन सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। पुलिस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना। गजब तू बिवाज आदमी हो। तंग आ गया हूँ मैं मेड इन चाइना से। मैं कब हो गया ये? मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। राहुल गांधी सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। यस। मजा नहीं आ रहा है। बात तो सही है, ट्राई करता हूं। ताली ताली हाथ ऊपर करके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। क्या क्या बोला तूने? देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई? राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बात तो सही है। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूँ मगर मैं तुम पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं। मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। कोरोना भाई जनता माफ नहीं करेगी। ये देखो ताली बज रही है। समझ गए आप? समझ गए? एक बंदा समझ गया। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। आपने एक सरस विवाद याद कराई ना, आपने केवा मांगू छू। मैं छोटा सा लड़का था 6-7 साल का। दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। हूँ नानकड़ो हतो 6-7 वर्ष नो। मारा दादी इंदिरा मा एमने मने एक चौपड़ी आपी। एम मुझे सबसे अच्छी लगती थी अने मने सौथी वधारे गमती हती ये चौपड़ी ये वार्ता। उसमें उसमें फोटो की किताब थी। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने लो। हिंदी में चलो, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा, आपकी हिंदी समझते हो। ठीक है तो नहीं करना चाहते? ठीक है तो नहीं करना चाहते? गजब बेइज्जती है। थर्ड लॉ क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो वो भी हम पे अगला फोर्स लगाता है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके ऊपर एक रोटर है, वो घूमता है, तो अगर वो इस साइड घूम रहा है राइट, तो हेलीकॉप्टर को इस साइड घूमना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रही है। बैठ जाओ इस पे, बैठ जाओ नाउ। आप रोकने की कोशिश करो, ठीक है? Can't be done. Now I'm going to tell him how to position himself to take the other person's energy from them. Okay? So open your legs out and now sit down. Okay? Now what I want you to do is I want you to instead of sitting, keeping it like this, I want you to bend it like this. Yeah. Now lift your head. Yeah. You come. Now what I want you to do is I want you to put your hand on your shoulder. कुछ तरीका है भीख मांगने का? 2000 किलोमीटर चलाऊं, 2000, कोई थकान नहीं, एक सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं, और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? पता नहीं। नोटबंदी की थी क्या? नहीं। पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। डोंट डिस्टर्ब ब्रदर, ब्रदर डोंट डिस्टर्ब। क्या बढ़िया था वो। अरे ये तो उड़ता तीर ले लिया भाई साहब आपने। भाई साहब राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। क्या बात है सर? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। ये एक बीमारी है। बात समझो, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा लेकिन लिख ले। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। भाई साहब राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया। ये देखिए
ये देश का झंडा है, इसको आप पहचानते हो? हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सही बात है। हर बच्चे को लगना चाहिए। अबे जल्दी बोल कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ। भगवान तपस्या नहीं करते। कौन बोला? मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। Are you serious? बड़ाई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं। ये सुनने पहले मैं बैरा खड़ी हो गया प्रभु। मारो। महात्मा गांधी कुछ चीज थी। ये मत देखो यार। महात्मा गांधी कुछ चीज थी। 72,000 रुपए साल हर फैमिली, तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर फर्श बन जाए, उसके नीचे वो गिरी नहीं पाए। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़े। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। प्रगति की पटरी पे डालेंगे, प्रगति पे के रास्ते पे डाले जाएंगे। जरा सोचिए, एक बच्चा पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सचिन तेंदुलकर। अरे क्या दिखता है, नहीं दिखता है, कर रहे हो? क्यों करते हो ऐसा? बेवकूफ है, आलसी है। भागने की वो बात कर रहे हैं, देखिए सुनिए बात। फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। क्या बढ़िया था गुरु। हम क्या बोलेंगे, इतनी घबराहट क्यों है? चीटिंग करता है तू। दूध का पानी। देश को पूरा पता चल जाएगा। ये क्या है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। धड़ाधड़, ये देखो, यू ताली बजाई, धड़। So, how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I'm thinking. गजब बेइज्जती है. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's a very obvious question. You haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? भाइयों और बहनों, आप गलत फहमी में हो। तू समझा? उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। जेब्बा, सही है ना? I am the only person who has the capacity to understand this. Oh my God! सिर्फ उत्तराखंड नहीं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ उत्तराखंड नहीं। कम से कम पैसा होता है मगर हिंदुस्तान का। इन दिनों चैनलों में कंटेंट का अकाल है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, दर्शक पर बहुत बोझ है। पूरा हिंदुस्तान देखेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I will not look into myself for 30 seconds. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंदर से मैं जानता हूँ कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। समझ नहीं आया कि हुआ क्या? मेरे जैसा बेवकूफ कहां है उनके नाम? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। क्या 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 बैतलो क्या क्या
क्या क्या मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चाहे NRC हो, चाहे NPR हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। कुछ भी, चाहे NRC हो, चाहे NPR हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स। ना कोई पर्सनालिटी, ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। क्या चुटकुले सुनाएगा ये? तो दिल खोल कर हंसने को सब हो जाओ तैयार, कॉमेडी का बाप ला रहा है। मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला, इस बार 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। EVM उसका नाम EVM नहीं है, उसका नाम MVM है। वाह भाई वाह। कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया। हाँ कैलाश, मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 रुपए दिए, तो अगर वो 15 को 5,55,000 दे सकते हैं तो हम 25 करोड़ को 5,55,000 दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? जब तक यहां मक्के के कारखाने नहीं लगेंगे तब तक आपको सही रेट नहीं मिल सकता। जब तक यहां मक्के के कारखाने नहीं लगेंगे तब तक आपको सही रेट नहीं मिल सकता। हाँ पूजा इज फॉर व्हाट राहुल? आई हैव नो आईडिया, दे वांटेड मी टू कम सो आई केम, आई हैव नो आईडिया, दे वांटेड मी टू कम सो आई केम, आई हैव नो आईडिया, दे वांटेड मी टू कम सो आई केम। अय्यो, हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है। 4-5 पुंजापति के हाथ, पुंजापति के हाथ। सही है ना? क्या बना, तुसी ग्रेट हो। कैमरा लगा ना यार। जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा। छाती में चाकू मार। और भाई और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? छाती में चाकू मार, आगे से नहीं, यूं नहीं। क्या गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो TV पे नहीं आ सकता। ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा, ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा, ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा, ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हिंदुस्तान की 1% आबादी के हाथ में हिंदुस्तान का 33% धन है। 1% आबादी के हाथ में 33% धन, 10% आबादी के हाथ में 65% धन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
और सबसे गरीब 50% आप आबादी के हाथ में 6% धन। अरे कहना क्या चाहते हो? सही है ना? रुको जरा, सबर करो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगे ही दिखेंगे। नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? हेल्थ की साइड पे आपने पॉज बटन दबाया है, जब आप पॉज बटन को हटाएंगे डिजीज तेजी से दौड़ेगी। सब जोरदार तालियों से जय जयकार करके इस पुस्तक का अनावरण करेंगे महिला कांग्रेस राहुल गांधी जी। लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी शब्द कहां से आता है? नहीं नहीं, ये गलत है, ये आप कर रहे हो ये गलत है, ये लक्ष्मी नहीं है। याद रखिए, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तब तक हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो भी आप सुनना चाहते हो मैं कह दूंगा, मगर पहले प्रधानमंत्री बना दो, मगर पहले प्रधानमंत्री बना दो। अब देखो हंसी आ रही है लोगों को, मगर पहले प्रधानमंत्री बना दो। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं, हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं। यूपी में ऐसी महिलाएं हैं जो हर सप्ताह एक बच्चा कर पैदा कर सकती हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे दे रही हैं। डोंट मेक मी प्राइम मिनिस्टर ही सेज, मेक मी द चौकीदार। He took the vote from the people of India and became the chowkidar of Mr. Anil Ambani. He took 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. He's never made an aircraft in his life. Oola. Then what do we do? He has never made an aircraft in his entire life. But he is given the world's biggest defense contract. And then in every speech, the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister? In every speech, he speaks about corruption. We are going to do a surgical strike on poverty. Factories stop producing things. Bang. I'll give you the example of the rubber industry. Ask the people who worked in the rubber industry before taking this step. Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money. He does not go to jail. मैं आपको सीधी बात बता दूं, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। अब देखो हंसी आ रही है लोगों को। I fall asleep at night in 30 seconds. I sleep at night in 30 seconds.
युवा भटक भटक के रोजगार ढूंढ रहा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते। ओह नो, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। गांधी जी की कोई भी फोटो देखिए, उसमें आपको गांधी जी के पास 3-4 महिलाएं जरूर दिखाई देंगी। विश्व रया मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा। पतलून मेड इन चाइना, टोपी मेड इन चाइना, जूता मेड इन चाइना, पंखा मेड इन चाइना, ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ, ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा, नरेंद्र मोदी गेव 35,000 करोड़ टू नीरव मोदी, 35,000 करोड़ टू मेहुल चौकसी, 45,000 करोड़ ऑफ डेट टू मिस्टर अनिल अंबानी, विजय माल्या, ललित मोदी, दीज आर द पीपल वेयर दिस मनी इज गोइंग टू कम फ्रॉम। शाखा में आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? स्पीकर मैडम, सॉरी। 6 कैंडिडेट है, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं, कहाँ है उनके नाम। इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। देश का राष्ट्रपति जाता है लाल किले में खड़ा होता है और देश को कहता है, भाई और बहनों, क्यूट से चेहरे थे, सुंदर चेहरे, मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही और वो खड़ा हो गया, मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आई। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में वो ढाबा वाला दिखा दो, जिसने कोका कोला कंपनी बनाई हुई। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। साढ़े चार साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसान का कर्जा माफ किया तो किसान को किसान की आदत खराब हो जाएगी। अकाली दल की नेता मुस्कुरा के मुझे देख रही थी। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा है। Do you think make in India is working? Do you think so? No. प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। अमूल में गुजरात की महिलाओं की शक्ति है, उससे हम लड़ नहीं सकते।
असम में बीजेपी सरकार बनाएगी तो जो शांति है, प्रगति है, भाईचारा है, वो खत्म हो जाएगा और असम में एक बार फिर अहिंसा होगी, अहिंसा होगी, अहिंसा होगी। धान आपको 2500 रुपए क्विंटल में मिलेगा, सरकार 2500 रुपए में, सरकार 2500 रुपए में। मेहुल चौकसी ने फाइनेंस मिनिस्टर की बेटी के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है और फाइनेंस मिनिस्टर मेहुल चौकसी भाग गया ना। आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ NCC ट्रेनिंग एंड दैट टाइप ऑफ स्टफ। आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ NCC ट्रेनिंग एंड दैट टाइप ऑफ स्टफ। 45,000 करोड़ एकड़ मुंद्रा में एक उद्योगपति को देते हैं। गुजरात को दूध दिया है तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है, डाउन जा रही है। नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। मजेदार संगठन है, कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मैं सर 5 मिनट में बजट में आ रहा हूं, मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी। लिख के ले लीजिए, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। गायखान गंगमय जी, अब आप कह रहे हो कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं, हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। सोयाबीन का तेल होगा, सोयाबीन का तेल। 22 घंटे पर रोज जागे, सिर्फ 3 घंटे सोए। दवाई बनाने वाली फैक्ट्री हम आपके लिए यहाँ पास में लगाएं कि आप अपना माल वहाँ दवाई वाली फैक्ट्री में बेच पाओ। नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है।